हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका वलीला यूट्यूब क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एम्स ऋषिकेश सुपर एनालिसिस। दोस्तों, आज मैं आपको सुपर एनालिसिस बताने वाला हूं एम्स ऋषिकेश से रिलेटेड, क्योंकि फ्रेंड्स कल से आप सब तैयारी में लग जाओगे। और उससे पहले यानी कि आपको बताना जरूरी है कि तैयारी किस तरह से किया जाना चाहिए, यानी कि किस तरह से आप प्रिपरेशन को अंजाम देंगे, एम्स ऋषिकेश एग्जाम को अंजाम देंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और आज के इस क्लास में मैं आपको एनालाइज करके दिखाने वाला हूं कि किस तरह से एम्स ऋषिकेश एग्जाम को हम 20 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल गए होंगे, 23 जनवरी इज द डेट अनाउंस्ड बाय एम्स ऋषिकेश फॉर द एग्जामिनेशन, यस और नो। और कल से आप तैयारी शुरू कर दोगे। तो इससे पहले आपको बताना एक कंपलसरी हो गया था, यानी आपकी मदद पहुंचाना कंपलसरी हो गया था कि किस तरह से एम्स ऋषिकेश एग्जामिनेशन होता है और क्या इसके पिछले एग्जाम्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहा है। तो ये सुपर एनालिसिस उस हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो एम्स ऋषिकेश एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो चलिएगा शुरू करेंगे हम। जैसा कि आज मैं जरूरी हो गया था कि आपको ये बताना कि किस तरह से एम्स का ऋषिकेश एग्जाम का पैटर्न होता है, तो जस्ट गाइज आज के सेशन में हम देखेंगे सुपर एनालिसिस एम्स ऋषिकेश। एग्जाम डेट है 23 जनवरी। 23 जनवरी को एग्जाम अनाउंस हो चुका है, आज इसका नोटिफिकेशन मिल गया है सब बच्चों को। तो डेट क्या है एग्जाम का? 23 जनवरी। ओके बच्चे, 20 रहता है। और आज इसमें बताएंगे कि पिछले एग्जाम्स इसने कौन कौन से लिए हैं, उन सब में कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वेटेज देता है, कौन कौन से एमसीक्यूज पूछ। आपको कभी ना हार मानने की आदत है तो आपकी जीत 100% है, ये मेरा विचार है बच्चों। यानी कि यदि अगर आपके जीवन में लाखों परेशानियां आए, परंतु यदि आपको कभी न हार मानने की आदत है तो आपकी जीत 100% होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि एमसीआई करियर के बच्चे, वुगली इंस्टीट्यूट के बच्चे और मुझसे जुड़े हुए हर स्टूडेंट की जीत होगी। यानी कि डेफिनेटली ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो आज हमारे साथ मेहनत कर रहा है। तो देखो दोस्तों, ये एक बहुत जरूरी हो गया था कि आपके साथ जो मैं आके एक इंटरेक्ट करूं और इसमें आपको गाइड करूं कि किस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और क्या पैटर्न रहेगा, तो ये आज इस वीडियो से हम जानेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, लास्ट ऋषिकेश एग्जाम्स कब कब हुए थे, पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट में एग्जाम कब हुए थे। तो इसका पहला एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर 2017 को। इसने लास्ट एग्जाम लिया था 28 अक्टूबर 2017 को। फिर इसने एग्जाम लिया 20 जुलाई 2018 को। फिर इसका एग्जाम हुआ बच्चों 8 फरवरी 2019 को। तीन एग्जाम तो ये लिए गए ऋषिकेश के, और तीनों एग्जाम्स का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा और इन्हीं प्रीवियस एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके आज का सुपर एनालिसिस आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर है? और अभी हमारा जो टारगेट एग्जाम है वो है 23 जनवरी 2020। तो 23 जनवरी 2020 हमारा टारगेट एग्जाम है। ओके, देन अदर एग्जाम्स की डेट भी आज अनाउंस हो चुकी है। कंबाइंड 4 एम्स का एग्जाम है 7 फरवरी को, एंड देन जिपमर का फर्स्ट एग्जाम होगा 23 फरवरी को और जिपमर का सेकंड एग्जाम होगा 8 मार्च को। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जाम्स की डेट हैं जो प्रीवियसली हम लोगों को शेयर की गई है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो एम्स का पहला एग्जाम हुआ था ऋषिकेश का 28 अक्टूबर, दूसरा इसने एग्जाम लिया था 20 जुलाई को, थर्ड एग्जाम लिया था 8 फेब को, और नाउ इज गोइंग टू टेक द फोर्थ एग्जाम ऑन द 23 जनवरी। 23 जनवरी को ये अपना चौथा एग्जाम लेने जा रहा है। और इन तीनों एग्जाम्स के पैटर्न को एनालाइज किया गया है। बहुत ही बच्चों एनालिसिस में बहुत सावधानी रखी गई है। और यदि अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ शेयर करिएगा। आपके उस टॉपिक को, आपके उस क्वेश्चन को या आपकी उस प्रॉब्लम को हम सबके साथ लाएंगे, उसी पे वीडियो क्रिएट करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। तो आप जो अपने सजेशन हैं वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में लिख करके। ओके, अदर एग्जाम्स की डेट है कंबाइंड एम्स 7 फेब को होगा, जिपमर 23 फेब को होगा और जिपमर का सेकेंड एग्जाम 8 मार्च को होगा। तो ये थी एग्जाम्स की डेट।
कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स का होता है सबसे ज्यादा वेटेज। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। बच्चों एम्स ऋषिकेश का मोस्ट ऑफ एग्जाम डिपेंड करता है एमएसएन और फंडामेंटल के ऊपर, और तीसरा इनके साथ फंसा हुआ सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। तो लगभग एम्स ऋषिकेश का मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एमएसएन से होता है। सबसे पहला प्रायोरिटी हम देंगे एमएसएन को। सेकंड जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो बनता है बच्चे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, और थर्ड इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं फार्माकोलॉजी से, और चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन होंगे सबसे कम क्वेश्चन होते हैं ओबीजी और पीडियाट्रिक्स। ओबीजी और पीडियाट्रिक में से भी यदि बात की जाए तो फिर ये पीडियाट्रिक को ज्यादा प्रेफरेंस देता है कंपैरिजन टू ओबीजी के। ओके, तो यहां पर लगभग एमएसएन, फंडा और फार्मा, इन तीनों से बच्चों अभी तो जैसे पैटर्न के बारे में बताऊं तो ये 200 क्वेश्चन पूछने वाला है, 200 एमसीक्यू होंगे, और जैसा कि इसने बताया है हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, और 5 मार्क्स में से यदि अगर नेगेटिव करते हो तो 1 मार्क्स फॉर पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन विल बी नेगेटिव मार्किंग। 200 क्वेश्चन में से ये क्या करने वाला है, 180 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से देगा, और 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे। अब बच्चों यदि हमें बात करनी है इन 180 की, तो ये जो 20 क्वेश्चन होंगे इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं आपको। तो जनरली जो अभी करंट में आसपास जैसे ये सीएबी है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून लेकर के आ रही है, 5 क्वेश्चन आपको श्योर मिलेंगे इनसे। तो करंट अफेयर के जो जनरल अभी आपके आसपास जो घटना हुई है महीने दो महीने के अंदर अंदर, इन्हीं घटनाओं को आप नोट कर लीजिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा और रोज देखिएगा, न्यूज़पेपर से हेडलाइंस को चुरा लीजिएगा, ये आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, अपने पापा से पूछिएगा, अन्यथा वो आपको करंट नॉलेज दे देंगे, वही क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे ज्यादा जो दिमाग लगाना है वो इस पे लगाना है। ठीक है बच्चे, 180 क्वेश्चंस पर। अब 180 क्वेश्चंस में भी लगभग 80% क्वेश्चन होंगे आपके एमएसएन, फंडा और फार्मा से। 80% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बच्चों एमएसएन, फंडा और फार्मा से। ठीक है, ओबीजी और पीडिया के जो क्वेश्चंस होंगे लगभग 15% क्वेश्चन होंगे, 15% क्वेश्चन होंगे, और बचे हुए 5% क्वेश्चंस, ये 5% क्वेश्चन होंगे कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में से। ठीक है, तो इस तरह का इसका जो वेटेज रहता है उसमें 80% एमएसएन, फंडा और फार्मा के क्वेश्चन आते हैं, देन 15% क्वेश्चन आते हैं बेटा ओबीजी पीडिया से, और ओनली 5% क्वेश्चन ये पूछने वाला है नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट से। ठीक है ना, तो इस तरह का एक परफॉर्मा ये तैयार करके और आप पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज के इस एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करेगा कि एक तो हमें प्रिपरेशन, क्योंकि कल से आप सब तैयारी शुरू कर दोगे, तो तैयारी का पैटर्न क्या रखना है, कौन से सब्जेक्ट्स को जो टारगेट बना करके तैयारी करेगा ना, बिकॉज एक अच्छे विनर की पहचान होती है बेटा अच्छी प्लानिंग। अच्छा विनर वही होगा जो अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ेगा, और यदि अगर आपकी प्लानिंग मजबूत है तो आपकी विनिंग श्योर है और आप जीत जाएंगे। यानी कि विनिंग को श्योर करने के लिए प्लानिंग का बेस्ट होना बहुत ही आवश्यक होता है, और वही मैं आज क्रिएट करने में आपकी मदद कर रहा हूं कि प्लानिंग कैसे करोगे। राइट बच्चे, तो ये सब्जेक्ट्स का वेटेज था, कौन से सब्जेक्ट्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चे एमएसएन में से सबसे पहली बात जो 90% क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं एनक्लेक्स बेस्ड। तो जितने भी क्वेश्चन एमएसएन के पूछे जाते हैं वो सब एनक्लेक्स बेस्ट क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रायोरिटी, जैसे मैं कुछ कीवर्ड्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन कीवर्ड्स पे आप ध्यान रखते हुए ही अपनी तैयारी करना कि जब भी कभी क्वेश्चन पढ़ो तो वैसे क्वेश्चंस को ज्यादा हाईलाइटेड करके पढ़ना जिन क्वेश्चंस को मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो एनक्लेक्स बेस्ड होंगे। अब एनक्लेक्स बेस्ड में भी कौन से क्वेश्चन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है ये, तो मोस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन साइन या सिम्टम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, देन प्रायोरिटी इंटरवेंशन वाले क्वेश्चन जिनमें प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपसे कहा जाता है। नेक्स्ट होता है फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन, जैसे आपसे कहा कि एक क्लाइंट जो है वो वेंटिलेटर पर है और आप गए आईसीयू के अंदर, और आप सबसे पहले व्यक्ति जो आईसीयू में गए, वेंटिलेटर अलार्म बज रहा है, तो आपका पहला प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा,
You will take the vital sign to the patient. You will just detach the ventilator. You will stop the ventilator alarm. तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक पेशेंट और एक इक्विपमेंट या डिवाइस के अंदर कंपैरिजन करना हो तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है पेशेंट, दूसरी प्रायोरिटी होती है डिवाइस या इक्विपमेंट। तो हम पहले पेशेंट को संभालेंगे, उसके बाद डिवाइस का अलार्म ऑफ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस ये ज्यादा पूछता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी एक्शन क्या होने वाली है। अंडरस्टैंड? तो जस्ट क्वेश्चन करेगा मोस्ट प्रायोरिटी, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम। जैसे आपसे कहा बच्चे कि हॉकिंस डिजीज हो रहा है, हॉकिंस डिजीज हो रहा है तो इसका फर्स्ट साइन क्या होता है? फर्स्ट साइन यानी कि सुप्राक्लेविकुलर एरिया में लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन। सुप्राक्लेविकुलर एरिया में लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ द हॉकिंस डिजीज। ठीक है, आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन पैथोजन फॉर हॉकिंस डिजीज, तो आप कहेंगे कि एप्स्टीन बार वायरस इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन दैट कॉजेज द हॉकिंस डिजीज। आपसे कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। तो मल्टीपल माइलोमा के केस में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है बच्चे हाइपर कैल्सीमिया। क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये एम्स ऋषिकेश ज्यादा पूछता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमसे पूछता है प्रायोरिटी एक्शन वाले, जैसा कि मैंने अभी आपको वेंटिलेटर वाला एग्जांपल दिया है। तो इस तरह के प्रायोरिटी क्वेश्चन पूछता है। अर्जेंट केयर यानी आपसे पूछता है जैसे कि किसी को हो रहा है पल्मोनरी एडिमा। क्या हो रहा है? पल्मोनरी एडिमा। तो बच्चे पल्मोनरी एडिमा होते ही क्लाइंट को होगा सफोकेशन। क्या होगा? सफोकेशन। और सफोकेशन होने की वजह से लंग्स के अंदर कंजेशन होगा और कंजेशन की वजह से डेथ हो सकती है। तो ऐसे केस में एक मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के केस में आपसे पूछा जाएगा कि आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा। तो आपका फर्स्ट एक्शन होना चाहिए कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। क्या होना चाहिए? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना। तो बच्चे ऐसे जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछने की संभावना होती है। तो पल्मोनरी एडिमा का क्लाइंट यदि आपके पास है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का क्लाइंट आपके पास है तो उस केस में हमारा मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया जाए। कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? हार्ट के अंदर से ब्लड का एक्युमुलेशन जो हो रहा है वो कम होगा और वीनस एक्युमुलेशन भी कम होगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो पेशेंट को ऑटोमेटिकली रिलीफ आने वाला है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेगा वो करने वाला है अर्जेंट केयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर। मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर का मीन्स होता है सबसे ज्यादा सुटेबल केयर, यानी कि अर्जेंट केयर की बात नहीं कर रहा हूं, अब बात की जा रही है मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर। मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर मीन्स सुटेबल इंटरवेंशन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पूछता है बेटा ये एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे रैशनल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये क्वेश्चन होते हैं रैशनल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछता है लीडिंग कोज क्या है। जैसे आपसे कहें कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का लीडिंग कोज क्या है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का लीडिंग कोज होता है बच्चों इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्या होता है? इस्केमिक हार्ट डिजीज। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज इज द लीडिंग कोज फॉर द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इस तरह के क्वेश्चन, हर तरह की वैरायटी का एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट। अभी मेरे साथ हो आप, 20 दिन का समय है, बहुत सफिशियंट है, घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, मैं आपके साथ हूं और आपको डेफिनेटली बेस्ट कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे यहां से बुगली स्टूडियो से कि आपके को एग्जाम में कम से कम ज्यादा तो नहीं लेकिन 20-25% मदद तो मैं पहुंचा दूंगा यहां बैठ करके। 20-25% क्वेश्चन भी अगर एग्जाम के अंदर मैं सही करवा देता हूं तो ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है बेटा, कम नहीं होता है। तो डेफिनेटली आपको हर तरह का गाइडेंस मिलेगा बुगली स्टूडियो से, आप बने रहिएगा। तो इस तरह की हर एक वैरायटी के एक एक क्वेश्चन मैं शेयर कर चुका हूं। तो मोस्ट प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम पर ध्यान देना, प्रायोरिटी इंटरवेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन पे ध्यान देना, अर्जेंट केयर पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट केयर वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, रैशनल वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा और लीडिंग कोजेस से रिलेटेड यानी कि हमसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं एमएसएन से वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चों। एमएसएन में क्वेश्चन आते हैं पहला क्लिनिकल फीचर से, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं कोज से रिलेटेड, थर्ड क्वेश्चन आते हैं आपसे इंटरवेंशन से रिलेटेड और फोर्थ क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट एजुकेशन से रिलेटेड। ये चार वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों से किए जाते हैं और फिर साथ के साथ ही इसका फार्मा वाला पार्ट होता है
जिससे हमसे ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एमएसएन के बारे में, ये जानकारी सफिशियंट जानकारी है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा वेटेज वाला सब्जेक्ट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। एमएसएन में ये और जान लीजिएगा कि ये एग्जाम कौन सी यूनिट्स को, देखो ये एक पॉसिबिलिटी है, आइडिया है हमारा, पिछले एग्जाम्स को देख करके एनालाइज किया हुआ है, इनसे आएगा, ये जरूरी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये यूनिट्स को सबसे ज्यादा वेटेज होगा, लेकिन एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि इसने जब पहला एग्जाम लिया था तो एंडोक्राइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, दूसरा एग्जाम जब इसने लिया तो हेमेटोलॉजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तीसरा एग्जाम जब ऋषिकेश ने लिया तो कार्डियोलॉजी से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए। अब इस चौथे एग्जाम को देख करके और एक आइडिया हम लोगों ने लगाया है कि भाई हो सकता है इन यूनिट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप जब पढ़ाई करो तो इन यूनिट्स को अपने माइंड में रखना। बाकी तो तैयारी सब करनी है, लेकिन इन यूनिट्स का वेटेज ज्यादा हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चन हो सकते हैं, नेफ्रो के क्वेश्चन ज्यादा मिल सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है तो ऑर्थोपेडिक से क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, इसमें रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं और हिमेटोलॉजी को वेटेज दे सकता है। तो बच्चों हो सकता है इन यूनिट में से ये आपसे 15 से 20 क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि एम्स ऋषिकेश का एक ट्रेंड मैंने देखा है अभी तक के 3-4 एग्जाम्स के अंदर, कि जिस भी यूनिट में से क्वेश्चन उठाता है उस यूनिट में से या 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये देता है, यानी जिस यूनिट के पीछे पड़ेगा ये अच्छे तरीके से उस यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि अब ये किस्मत पे डिपेंड हो जाता है कि कोई बच्चे ने मान लो अभी करंट में उसी यूनिट को बेटर तरीके से पढ़ा था तो वो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे से जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा था। तो इसलिए इस बात को दिमाग में रखना जब तैयारी करो आप, तो जो यूनिट्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ उन यूनिट्स की प्रिपरेशन पे भी फोकस करना आप स्पेशली। तो ये एमएसएन के स्पेशल यूनिट हो सकते हैं जिनमें से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। नेक्स्ट हो सकता है बेटा, दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारे पास फंडामेंटल, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है इस ऋषिकेश एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं फंडामेंटल से क्या क्या पूछेंगे। तो प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चंस विशेष करके याद करिएगा, प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा होंगे। एक सॉल्यूशंस इन्फ्यूज्ड, यानी कि जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है हमारे फंडामेंटल में, सॉल्यूशन वाला हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक टाइप के सॉल्यूशन, उससे एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली देता है, हमेशा देता है एक या दो क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है ड्रग कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन के मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको देता है ये 5 क्वेश्चन ड्रग कैलकुलेशन के मिनिमम फिक्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो इससे फंडा से क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, वो हेड इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट एक्सीडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और एक्सीडेंट या हेड इंजरी में भी स्पेशली क्या पूछता है, मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी एंड एक्सीडेंट, और सर्जिकल केसेस हैंडलिंग, यानी आईसीयू में या फिर आप ओटी के अंदर पेशेंट को सर्जरी के दौरान जो आप असिस्ट करते हो, तो ओटी में आईसीयू में पेशेंट को असिस्ट कैसे किया जाता है, क्या सावधानियां रखनी होगी, ओटी के स्पेशली प्रोसीजर्स पढ़ना होगा, ओटी के मेन इंपॉर्टेंट आपको नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़नी होगी, और ओटी के अंदर कोई भी ऑपरेशन में असिस्ट करते समय आपको विशेष करके इंस्ट्रूमेंट और प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो ये फंडामेंटल से प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सॉल्यूशन से रिलेटेड, ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछता है, हेड इंजरी हुआ, एक्सीडेंट्स हुआ, इनका मैनेजमेंट पूछता है, सर्जिकल केसेस को कैसे हैंडलिंग किया जाता है इसके बारे में पूछता है। बच्चों एक इसका फेवरेट टॉपिक है एसिड बेस, एसिड बेस से ये 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। यदि अगर आप एसिड बेस और अगर ड्रग कैलकुलेशन को परफेक्ट कर लेते हैं तो आपके 10 क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये प्रोसीजर्स में एनजी जैसे कि ईटी का विशेष करके ध्यान रखो, वेंटिलेटर से रिलेटेड, सीपीआर से रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इनसे रिलेटेड केयर, यानी कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ये काफी ज्यादा पुटअप करता है। तो ये थे फंडामेंटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। अब आता है हमारे पास फार्मा। अब फार्मा में ये किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है बच्चे फार्मा में, रेलिवेंट ड्रग का साइड इफेक्ट पूछता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि एक एग्जाम में क्वेश्चन बताता हूँ डिजोक्सिन, तो डिजोक्सिन का ये साइड इफेक्ट ही पूछ लेता है, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट होता है सब ब्रेडीकार्डिया, क्या होता है ब्रेडीकार्डिया, ठीक है। अब ब्रेडी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है ये किसी भी ड्रग से रिलेटेड सीरम लेवल, जैसे कि अभी वारफेरिन की बात करते हैं तो वारफेरिन का तो INR पूछा जाता है, तो वारफेरिन का INR क्या है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसका सीरम लेवल है, तो सीरम INR कितना, INR पूछता है वारफेरिन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये काफी ज्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर।
तो फार्मा में नेक्स्ट आपके लिए सुटेबल जो हो सकता है वो हो सकता है बेटा सीरम लेवल्स। तो सीरम लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको स्पेशली अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना ना भूलें। नेक्स्ट, किसी भी ड्रग का स्टोरेज, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है तो नाइट्रोग्लिसरीन का स्टोरेज कैसे करना चाहिए? तो नाइट्रोग्लिसरीन हमेशा कूल ड्राई एरिया में स्टोर किया जाना चाहिए, इसको टाइटली कैप्ड करके बॉटल के अंदर रखना चाहिए, हर 3 महीने में रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो इस तरह के ये स्टोरेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है ये ड्रग के एडवर्स इफेक्ट या ड्रग के टॉक्सिसिटी, यानी कि एडवर्स इफेक्ट या फिर पूछता है टॉक्सिसिटी से रिलेटेड। जैसे डिजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी यदि होता है तो ये जीआईटी पे सिम्टम्स पैदा करेगा, जीआईटी पे सिम्टम पैदा करता है, यानी कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम कहाँ होते हैं बेटा? जीआईटी पर होते हैं। जीआईटी पर कौन से सिम्टम होते हैं? जैसे नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया है, एनोरेक्सिया हो गया है, डायरिया हो गया है, साथ के साथ ही ब्लड विजन होता है। डिजॉक्सिन क्या करता है? ब्लड विजन करता है। ब्लड विजन में क्या करता है? येलो स्पॉट करता है। जब पेशेंट को विजन धुंधला होगा और जब वो धुंधला देखेगा और आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि आपको धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है, तो अच्छा ये बताइएगा कौन सा कलर दिखाई दे रहा है आपको? जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो किस कलर के? यदि अगर क्लाइंट कहता है येलो गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे हैं तो ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है। यदि अगर कहता है कि व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट स्पॉट दिखते हैं केवल साइड इफेक्ट, डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछता है। नेक्स्ट, ड्रग प्रिपरेशन एंड डोज कैलकुलेशन, ड्रग प्रिपरेशन एंड डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछता है बेटा। क्लियर है? तो ये फार्माकोलॉजी के मोस्ट सेलेक्टिव सजेस्टिव टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन इसका बड़ा फेवरेट पार्ट है, ये इसमें से 15 से लेकर के मिनिमम 20 क्वेश्चन तक पूछता है, मिनिमम 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन पूछता है। अब इमेज से रिलेटेड, इमेज बेस्ड, जैसे आप इसके 3 फेवरेट टॉपिक ड्रग कैलकुलेशन, एसिड बेस, इमेज बेस और एमएसएन और फंडामेंटल और फार्माकोलॉजी, ठीक है ना? पेपर तो ऐसे ही सोल आउट हो रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, टारगेट बना करके पढ़ोगे, रणनीति अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो पेपर तो इजीली हो रहा है। तो इमेज बेस में ये 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है। अब इमेज बेस कौन कौन से पार्ट पूछता है? तो इंस्ट्रूमेंट पूछता है, इक्विपमेंट्स पूछता है, ड्रग की वाइल पूछता है, वाइल आपको दी जाती है और वाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, प्रोसीजर पूछा जाता है, प्रोसीजर में ये आपको इमेज देगा और पूछेगा बताइए कौन सा प्रोसीजर कर रहा है, जैसे ईटी कर रहा हो, एनजी कर रहा हो या फिर सीपीआर कर रहा हो, हैमिल्च मैनूवर कर रहा हो, अंडरस्टैंड? देन ये हमसे मशीन देकर के मशीन का नाम पूछता है, जैसे डीफैब का मशीन दे दिया, वेंटिलेटर का मशीन दे दिया, आपसे कार्डियक मॉनिटर दे दिया है या फिर आपको पेसमेकर दे दिया है या फिर आपको जस्ट बायोप्सी का क्वेश्चन पूछ लिया गया तो बायोप्सी प्रोसीजर का क्वेश्चन पूछ लिया गया। दूसरा ये प्लास्टिक ट्यूब्स पूछता है, जैसे ईटी ट्यूब दे दिया, एनजी ट्यूब दे दिया, कैथेटर दे दिया, दूसरा कैथेटर्स पूछता है ये। अब इनमें ये क्या क्या पूछता है? व्हाट आस्क्ड, यूज पूछता है, नेम पूछता है और वाइल का आइडेंटिफिकेशन पूछता है। सबसे पहले यदि अगर ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या कोई भी मशीन देता है तो उसका यूज पूछता है, मशीन से रिलेटेड, इक्विपमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड या कैथेटर से रिलेटेड या फिर आपसे ये ट्यूब से रिलेटेड, उसका यूज पूछता है, उसका नेम पूछता है बच्चे, एंड देन अगर फार्मा वाले सेक्शन से पूछता है तो वाइल दिखा करके और उसका आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन कि आइडेंटिफाई दिस गिवन ड्रग ऑफ वाइल। ओके, आइडेंटिफाई द गिवन ड्रग ऑफ वाइल। तो इस तरह के इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो मैं आज आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। यदि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख करके अपनी कॉपी में लिख करके और फिर अगर तैयारी करना शुरू करोगे कल से, तो आप 20 दिन में रिजल्ट निकाल दोगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आज हर मेरा स्टूडेंट रिजल्ट निकाल दे, यानी कि मेरी एक इच्छा यही है बेटा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मैं देखो अपना जीवन समर्थ कर चुका हूँ, नर्सिंग प्रोफेशन को अपना जीवन समर्थ कर दिया है। और पिछले 7 ईयर से मैं कंटिन्यूसली नर्सिंग प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ। तो बच्चे आज मैं इसी वीडियो के द्वारा आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एम्स ऋषिकेश आप किस तरह से आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को देखकर यदि अगर आपने अपनी प्लानिंग की तो नेक्स्ट विनर आप ही होंगे, ये श्योर है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं हमारा इंस्टीट्यूट आपको क्या मदद पहुंचाएगा। अब वुगली स्टूडियो एंड एमसीआई इंस्टीट्यूट आपको क्या मदद पहुंचाने वाला है, तो ध्यान से देखना बच्चे। मैं सबसे पहले कल से शुरुआत करूंगा
और 10 दिन तक आपको सबसे पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस और उनके सॉल्यूशन बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इमेज बेस्ड प्रैक्टिस और उनके सॉल्यूशन, दूसरा अब पर डे हम 20 इमेज डिस्कस करेंगे, 20 इमेज पर डे, और टाइमिंग रहेगा क्लास का 10 से 11 PM रात को, ठीक है ना। क्लास टाइम विल बी 10 to 11 PM। दूसरा मैं आपको बचे हुए 10 days, क्योंकि हमारे पास टोटल है 20 days, 20 दिन का समय बचा है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गई है, 23 तारीख को एग्जाम है, तो 20 दिन का समय है। 20 दिन में से अब जो बचे हुए 10 डेज रहेंगे, इन 10 डेज में मैं आपको 500 मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। सबसे ज्यादा 500 मोस्ट सेलेक्टिव, पूरे ही सिलेबस में से जो 500 मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पर डे हम उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि मैं आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाले, इंटरवेंशन वाले, केयर वाले, सर्जरी वाले, इस तरह के टोटल 500 क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। हो सकता है आपको इसमें से 10-20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिल जाएं। तो ऐसे मोस्ट सेलेक्टिव पूरे सिलेबस में से 500 क्वेश्चन मैं यहां पर सोल्व करवा दूंगा आपको, इतना टाइम मेरे पास है। अब 500 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन पर डे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इनकी स्पीड ज्यादा रखूंगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना मुश्किल है, मुश्किल काम है, लेकिन देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि अगर आपके इरादे मजबूत है तो फिर मुश्किल कुछ भी नहीं है। यानी कि क्वेश्चंस में थोड़ी मुझे स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, और स्पीड मेंटेन करके मैं ज्यादा रैशनल नहीं दे पाऊंगा इन क्वेश्चंस के अंदर बच्चों, क्योंकि रैशनल देंगे, अगर ज्यादा फुल रैशनल देंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा फास्टली ही रखूंगा जब ये क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे। तो कल से हम क्वेश्चन सेशन शुरू कर देंगे। पहले हम 10 दिन तक इमेज बेस करेंगे, 20 इमेज पर डे करेंगे, और फिर हम 10 डेज तक 500 MCQ करेंगे, और उसमें 50 MCQ पर डे कोशिश करेंगे। फिर आपको मैं सुपर प्रैक्टिस ऑन ड्रग कैलकुलेशन, फिर एक दिन की क्लास में किसी भी दिन लूं, चाहे संडे को मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े तो संडे को, या किसी भी दिन जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, और आपको ड्रग कैलकुलेशन पे विशेष सुपर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे ड्रग कैलकुलेशन के ही, 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, और पूरा ड्रग कैलकुलेशन सिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट एक दिन किसी दिन में टाइम निकालूंगा, और उस दिन मैं सुपर प्रैक्टिस लेने वाला हूं एसिड बेस के ऊपर, ठीक है बेटा। तो सुपर प्रैक्टिस एसिड बेस के ऊपर करवाएंगे, और फिर एक सुपर लेक्चर लेने वाला हूं किस पर, CPR के ऊपर, ठीक है। तो ये तीनों ही मोस्ट सेलेक्टिव, इमेज बेस में प्रिपेयर कर रहा हूं। देखो इमेज बेस क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, कुछ सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट कर देंगे बेटा, देन उसके बाद सुपर ड्रग कैलकुलेशन पे एक सुपर प्रैक्टिस करेंगे, सुपर प्रैक्टिस एसिड बेस पे करेंगे, और एक सुपर लेक्चर मैं आपको दूंगा CPR पर, जिसमें मैं पूरा CPR सिखाने वाला हूं कि हाँ CPR कैसे किया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं CPR से। तो उसका मैं कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर करके और आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ये आपकी मेरी तरफ से नव वर्ष की एक तोहफा होगा। इसको अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं, या मेरे स्टूडेंट हैं, या मेरे नर्सिंग प्रोफेशन के साथी हैं, तो आप मेरे इस गिफ्ट को, मेरे इस तोहफे को स्वीकार करना, और मैं कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कर सकें आपके लिए, जितनी मदद पहुंचा सकें उतनी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और फिर भी यदि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल रहता है, और उसके बाद जितना टाइम मिलता है मैं रात को 10 बजे आपको देता हूं, राइट, फिर भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो क्षमा करना। वैसे कोशिश करूंगा कि पूरा टाइम आपके लिए मैं रखूं, ये कम से कम 20 डेज तो आपको दे दूं, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओ और आप मुझे याद रखो, अंडरस्टैंड बच्चों। तो मैं ये सारी मदद आपको पहुंचाने की पूरा प्रयास करूंगा पूरी कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, हो गए ID पासवर्ड आ जाएगी। अब ID में आपके कई बच्चों की ID मिल तो चुकी है उनको, लेकिन उनके लॉगिन नहीं हो रहा है। तो लॉगिन नहीं होने का मेन जो कारण है, आप ध्यान रखना, ऑनलाइन पोर्टल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अगर एक लेटर जहां आपने डॉट लगाया ना, वहां डॉट लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने एक छोटा सा लेटर भी अगर कम ज्यादा कर दिया, या कैपिटल या स्मॉल में लिख दिया, तो वो एरर क्रिएट करेगा, आपका लॉगिन नहीं होगा बेटा। इसलिए जैसी आईडी आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई की थी, वैसी की वैसी ही सेम आईडी आप एंटर करोगे यूजर नेम में, तभी जाके वो आईडी आपके लॉगिन होगी, अन्यथा लॉगिन नहीं होगा, एरर देगा, इनवैलिड बताएगा, फिर आप मुझे कॉल मत करना, ठीक है ना। कॉल अटेंड करने का समय मेरे पास नहीं है, प्लीज मुझे कॉल मत करना।
अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मैसेज डाल देना, जो इंस्टीट्यूट का नंबर मैंने आपको दे रखा है उससे आपको रिप्लाई आ जाएगा, या आप यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दोगे वहां से मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन कॉल मत करना, कॉल अटेंड करने का टाइम मेरे पास नहीं होता है, ओके। तो डेफिनेटली ध्यान रखना बच्चे कि टेस्ट सीरीज ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मैंने न्यू ईयर का तोहफा सब बच्चों को दिया और जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे सबके अंदर मैसेज शेयर किया है, आप तक नहीं पहुंचा है तो आपके साथी से आप डिस्कस कर लेना। अभी 7 तारीख तक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर नर्सेज वर्ल्ड टेस्ट सीरीज 0 प्राइस टेस्ट सीरीज आपको दिया जा रहा है। तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अभी 7 तारीख तक आपको दे रहा हूँ, 7 दिसंबर तक को या 7 जनवरी तक। ये एक छोटा सा तोहफा पूरे इंडिया में, आप किसी भी स्टेट में रहने वाले हैं या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले हैं, तो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर आप सबके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। यानी कि ये जितनी भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ये सबके लिए कोई चार्ज नहीं है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि पेड क्लासेस की जरूरत नहीं है, मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवा रहा हूँ, तो आप पे क्यों करना चाहते हो। टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप 3,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सबमिट करते होंगे उसके बाद मैसेज आता होगा आपके पास कि पे 3,000, तो 3,000 पे नहीं करना है। अभी हमने सब एमसीआई इंस्टीट्यूट ने टोटल आपके लिए फ्री कर रखा है। हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में टोटल बेनिफिट लें बच्चों, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप पेमेंट करने के लिए मेरे पास कोटा जरूर आ जाना। यदि अगर आप सेलेक्ट हो जाओ, मेरे से कुछ मदद पहुंचे, तो फिर आप एमसीआई इंस्टीट्यूट को आकर के और पेमेंट कर जाना कि हाँ सर ये आपने टेस्ट सीरीज दिया था और इससे मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, और सेलेक्ट होने के बाद ये मिठाई खाइए, आप मिठाई खिलाने जरूर आना, और फिर उसके बाद पेमेंट कर जाना आपकी सैलरी में से, ठीक है। तो देखिएगा जैसे जैसे क्लासेज चलेगी वैसे वैसे ही मैं आपको टेस्ट सीरीज देने वाला हूँ। तो टेस्ट सीरीज का प्लान क्या रहेगा जान लीजिएगा। टेस्ट नंबर 1 होगा, 100 MCQs होंगे, और MSN का टेस्ट होगा, और ये पहला टेस्ट होगा 5 जनवरी को। कब होगा? 5 जनवरी को। दूसरा टेस्ट होगा 100 MCQ होंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का होगा 8 जनवरी को। तीसरा टेस्ट होगा 100 MCQ होंगे, OBG का होगा, कंप्लीट OBG को, और 12 जनवरी को होगा। तीसरा चौथा टेस्ट होगा 100 MCQ होंगे, PDA का होगा, और 15 जनवरी को ये टेस्ट होगा। पांचवा टेस्ट होगा 100 MCQ का, इसमें क्या क्या आएगा, 20 फार्मा के क्वेश्चन आएंगे और 20 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के और 20 और बाकी के क्वेश्चन होंगे अदर सब्जेक्ट में से। और ये टेस्ट होगा आपका 19/1/2020 को, 19 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को पेपर है, तो 23 जनवरी से पहले आपकी ये पूरी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवा देंगे 5 टेस्ट लेकर के। ये टोटल टेस्ट सीरीज जो होगी सब्जेक्ट वाइज होगी बेटा, सब्जेक्ट वाइज में हमने डिवाइड कर दिया है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको टोटल टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में आपको टोटली टेस्ट सीरीज दे देंगे। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही है बेटा? आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? अरे वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है मेरा? साइकेट्रिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा इसमें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस आपको वुगली स्टूडियो पे ही नेक्स्ट वीडियो में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को थोड़ा टाइम निकाल के देखो, और वीडियो देख करके और उसमें जो प्रोसेस मैंने शेयर कर रखा है उस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भर के एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर सेंड कर दो। आ रही है ना आवाज वगैरह? ठीक है, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ता हूं। तो ये रहेगा टेस्ट सीरीज का प्लान, और फिर इसके बाद अब देखो मैं कुछ आपको दिखा देता हूं कि किस तरह के एमसीक्यू होंगे। जैसे कुछ आज सैंपल एमसीक्यू मैं करवा रहा हूं, क्योंकि किसी ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, ओके। तो आज से ही मैं कुछ आपको 5-6 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, सैंपल क्वेश्चन। ये पीडिया के क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे टोटल जो आप करवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। नेम द गिवन फोटोग्राफ, ये जो आपको फोटोग्राफ दिया हुआ है इसका नाम क्या है बताइए। इस डायग्राम का नाम बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, स्पीड आप रखोगे ना तो ज्यादा काम कर पाएंगे अपन। अगर स्पीड आपकी कमजोर रही तो फिर हम काम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप स्पीड पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, और जितनी अच्छी स्पीड मेंटेन करोगे मैं उतना ही ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आपको दे पाऊंगा। तो देखो ये क्या है, ब्रेडन स्केल है, स्प्रिंग बैलेंस है,
या फिर इलेक्ट्रिक पीडिया स्केल है या साल्टर स्केल है? बच्चे इसका नाम है साल्टर स्केल। क्या नाम है? साल्टर स्केल। क्या नाम है? साल्टर स्केल। और ये स्केल जो होता है ये आंगनवाड़ी में बच्चों को तोलने के काम आता है। आंगनवाड़ी में CHN का क्वेश्चन है और पीडिया का क्वेश्चन है, तो आंगनवाड़ी में बच्चों को वेट मेजर करने के लिए इस स्केल का यूज किया जाता है, इस पे लटका करके, ठीक है ना। साल्टर स्केल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? साल्टर स्केल। तो राइट आंसर इज डी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये जैसे आंगनवाड़ी में इस तरह से बच्चे तोले जाते हैं, इसको लटका रखा है यहाँ पर साल्टर स्केल को, और साल्टर स्केल लटका करके और फिर इस पे बच्चा लटकाया हुआ है। ये देखो बच्चे को बिठा रखा है झूले के अंदर और फिर इससे बच्चे का वेट मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज द साल्टर स्केल, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा साल्टर स्केल। क्या कहते हैं? साल्टर स्केल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, क्या कहते हैं इसे? इसका नाम बताइएगा आप जल्दी से। बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना है आपको, जितना फास्ट आंसर आप करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क हो पाएगा। तो आप आंसरिंग में बड़ा फास्टनेस शो करिएगा बेटा, बहुत फास्ट रहिए आंसर शो करने में। देखो, आइडेंटिफाई द फोटोग्राफ गिवन इन द डायग्राम। ये है बीम बैलेंस। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं बीम बैलेंस। क्या कहा जाता है? बीम बैलेंस। इस पे बच्चे को लेटा करके और उसका वेट मेजर किया जाता है। बैलेंस मीन्स तुला, बैलेंस का मीन्स है तुला, और बीम बैलेंस से मीन्स जिसपे बच्चे को लेटा करके उसका वेट मेजर किया जाता है, तो दैट इज बीम बैलेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायग्नोस द डिफॉर्मिटी शोन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में दिया हुआ डिफॉर्मिटी जल्दी से पहचानिएगा और बताइएगा कि कौन सा डिफॉर्मिटी इस फोटोग्राफ में शो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायग्नोस द आइडेंटिफाइड डिफॉर्मिटी शोन इन द फोटोग्राफ। शॉन डिफॉर्मिटी इन द फोटोग्राफ, वेरी गुड, शाबाश। ये है बेटा टैलिप्स इक्विनोवेरस। टैलिप्स इक्विनोवेरस क्या होता है? टैलिप्स इक्विनोवेरस होता है क्लब फुट। क्या होता है? क्लब फुट। क्या बोलते हैं? क्लब फुट। तो क्लब फुट का ही दूसरा नाम है क्या? TEV, टेरिस इक्विनोवेरस। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए बनाया है, वो दिखा देता हूं आपको। तो देखिए, क्लब फुट ऑल्सो नोन एज टेलिप्स इक्विनोवेरस, TEV। तो क्लब फुट को और क्या कहते हैं? टेलिप्स इक्विनोवेरस कहा जाता है। इट इज अ कॉमन फुट एबनॉर्मलिटी इन विच द फुट पॉइंट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ये ध्यान रखना, क्लब फुट में बच्चे का जो फुट का डिफॉर्मिटी होता है वो किस साइड होता है? डाउनवर्ड होता है और इनवर्ड होता है। डाउनवर्ड और इनवर्ड, देखो ये डाउनवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है ना। द कंडीशन इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इन्वॉल्व द फुट एंड लोअर लेग। मैसली कहाँ होता है? फुट एरिया में और लोअर लेग में। इट अकर्स ट्वाइस एज ऑफन, 2:1 इन द मेल देन इन द फीमेल। बच्चों, यदि मेल और फीमेल में क्लब फुट का रेशो पूछा जाए तो 2:1 होता है। इट में अफेक्ट वन और बोथ फिट। ये मोस्टली 50% केसेस में बायलेटरल होता है, दोनों पैरों को अफेक्ट करता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ केसेस में ये होता है बायलेटरल, दोनों लेग्स को अफेक्ट करता है, और इसमें लेग्स के जो मूवमेंट होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, इनवर्ड होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं दोनों पैर इस तरह से। तो डाउनवर्ड इनवर्ड क्लब फुट। और क्लब फुट का दूसरा नाम क्या है? टैलिप्स इक्विनोवेरस, ठीक है ना। मेल फीमेल रेशियो 2:1 और 50% ये बायलेटरल होता है। ओके, ये देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द एपरेटस यूज्ड इन द पीडियाट्रिक एज शोन इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट क्या नाम है? हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी मॉनिटर, बिलिरुबिन एनालाइजर, हीमोग्लोबिनोमीटर या ग्लूकोमीटर? आंसर प्लीज। Identify the apparatus in the pediatrics as shown in the photograph. बच्चे, this is a heart rate and respiratory monitor. ये बच्चों का heart rate and respiration monitor है. Heart rate and respiration monitor. This instrument is a heart rate and respiration monitor. This instrument is heart rate and respiration monitor. ठीक है? Identify the given maneuver.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द गिवन मैनुअर। इस तरह के क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये कौन सा मैनुअर है, वाल्सल्वा, हैमिल्च, सीपीआर या ब्रीदिंग इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर करने में थोड़ी स्पीड आप मेंटेन करें। बच्चों स्पीड का ध्यान रखिए, आंसर करने में बड़ा फास्टनेस मुझे चाहिए। जितना ज्यादा स्पीड आप रखोगे उतना ही ज्यादा हम वर्क कर पाएंगे। ओके, तो स्पीड का ध्यान रखिएगा। 5वें में आप आंसर क्या कर रहे हैं, बी। वेरी गुड, शाबाश। ये होता है हैमिल्च मैनुअर। कौन सा मैनुअर, हैमिल्च मैनुअर होता है, जिसमें हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर रिब केज और नेवल के बिटवीन एरिया पे लगाते हैं। तो ये है इसका रिब केज और ये नेवल है। तो रिब केज और नेवल के बीच में यदि अगर प्रेशर लगा रखा है, एब्डोमिनल प्रेशर लगाया हुआ है, तो रिब केज और नेवल के बिटवीन यदि एब्डोमिनल प्रेशर लगाया हुआ है तो दैट इज द हैमिल्च मैनुअर। सो राइट आंसर इज बी। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर डिसलोजिंग एंड द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्सन्स विंड पाइप। ट्रेकिया में यदि अगर कुछ चला जाए तो उसको डिसलोज करने के लिए, निकालने के लिए इस मैनुअर का यूज करते हैं। इन विच अ सडन स्ट्रॉन्ग प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दियर एब्डोमेन बिटवीन द नेवल एंड द रिबकेज। प्रेशर कहाँ लगाते हैं हैमिल्च मैनुअर में, रिबकेज और नेवल के बीच में। क्लियर है, रिबकेज और नेवल के बीच प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। कब करते हैं, जब विंड पाइप के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चला जाए। तो व्हाट इज द फर्स्ट एड, यह क्वेश्चन किया जा सकता है। व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट एड प्रोसीजर टू डिसलोजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम अ पर्सन विंड पाइप। विंड पाइप में से किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को डिसलोज करने के लिए फर्स्ट एड क्या होता है। तो फर्स्ट एड आपको आंसर करना है बेटा, हैमिल्च मैनुअर इज द फर्स्ट एड फॉर डिसलोजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, डिसलोजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द विंड पाइप। ओके, एंड देन लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द गिवन इंस्ट्रूमेंट, स्टीडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर, इन्फेंट इंक्यूबेटर या इन्फेंट वार्मर। क्या नाम है, आंसर प्लीज। वेरी गुड, शाबाश। बच्चे इसका नाम है इन्फेंटोमीटर। इसका नाम होता है, इंस्ट्रूमेंट नंबर 6 इज इन्फेंटोमीटर। और इन्फेंटोमीटर का यूज करते हैं 2 साल से कम एज के बच्चों की एज में वेट हाइट मेजर करने के लिए। तो 2 ईयर से कितने साल तक के बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, टॉडलर के लिए या इन्फेंट के लिए इसे यूज करते हैं, इन्फेंटोमीटर इसे कहते हैं। 2 ईयर तक के बेबी का हाइट इससे मेजर किया जाता है, टू यूज द हाइट मेजरमेंट अप टू 2 ईयर ऑफ बेबी। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ध्यान से एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा। बच्चे अब एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि यदि अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी इमेज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिख करके दीजिएगा। उसको जरूर, उस क्वेश्चन को जरूर हमारी इस लेक्चर के अंदर शामिल करेंगे ताकि वो जानकारी सारे बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है ना। और जैसे ही ये वीडियो शट डाउन हो उसके बाद आप इस वीडियो को अपने खास दोस्त को हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में गिफ्ट करें ताकि उसको एक तो अच्छे से टाइम टेबल मिल सके, एम्स ऋषिकेश की तैयारी करने का बेटर गाइडेंस मिल सके, कौन से सब्जेक्ट्स का सबसे ज्यादा वेटेज है ये मिल सके, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं वो मिल सके, कौन कौन से एग्जाम कब कब हुए हैं वो जानकारी पहुंच सके, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो से अपने स्टूडेंट, अपने दोस्त तक पहुंचाने के लिए आप उसको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है ना बच्चों। तो थैंक यू सो मच। आज मैं वैसे कोलोस्टोमी पढ़ाने वाला था लेकिन एग्जाम्स की डेट आ गई है, इसलिए इन सबको होल्ड करके और कोलोस्टोमी शुरू ना करके एम्स ऋषिकेश का एनालिसिस आपको बताना काफी कंपलसरी था, क्योंकि कल से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे। अब मैं उन विद्यार्थियों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी धैर्य रखिए, कल जो मैं एनालिसिस लेकर आऊंगा वो चारों कंबाइंड एम्स वाली बात करेंगे, 4 कंबाइंड एम्स के ऊपर हम कल की लेक्चर लेंगे। तो कल के लेक्चर में 4 कंबाइंड एम्स का एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे, तो वो लोग भी निराश ना हो जो 4 कंबाइंड एम्स की प्रिपरेशन को फोकस कर रहे हैं। एम्स ऋषिकेश वाले यदि फोकस कर रहे हैं तो जितने कंटेंट्स और लेक्चर और क्लासेस होगी वो सारी क्लासेस आपको दोनों एग्जाम्स को, चारों एग्जाम्स को, जिपमर हो, कंबाइंड एम्स हो
और ऋषिकेश एम्स हो, इन सबको ध्यान में रख करके हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे इमेज बेस्ड के क्वेश्चन हो या प्रैक्टिस क्वेश्चन हो 500 क्वेश्चंस, या टेस्ट सीरीज से 500 क्वेश्चन जो हम आपको पहुंचाएंगे वो हैं, या लेक्चर में एक्सप्लेनेशन जो रहेगा वो हो, तो कोई भी कंटेंट है तो उसमें सारे एग्जाम्स का पूरा ध्यान रख करके और हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुगली स्टूडियो को वॉच करने के लिए, साहू सर के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना आपका प्यार देने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप कहीं से भी अगर मुझे सुन रहे थे तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, गुड नाइट और बाय बाय, हैव ए नाइस डे।